खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़े सितारों के मरने पर बड़े सितारे पहुंच तो जाते हैं, पर क्या कभी देखा है कि एक स्पॉट बॉय के मरने पर कोई बड़ा स्टार्स पहुंचा हो? स्पॉट बॉय जवाहर शर्मा के अचानक निधन से बेहद दुखी हुए फिल्म नमस्ते बिहार के हीरो राजन कुमार। उन्होंने युवा और नेक दिल इंसान जवाहर शर्मा के अचानक निधन पर गहरे दुख का इजहार किया और उनकी आत्मा की शांति की दुआ मांगी। साथ ही उनके रिश्तेदारों और घर वालों से सब्र करने की गुजारिश की। राजन कुमार ने बताया कि जवाहर शर्मा एक बेहद नौजवान और मेहनती स्पॉट बॉय था। न तो कोई हीरो था, न कोई निर्देशक निर्माता, लेकिन वह इंसान इतना अच्छा था कि सभी उसे पसंद करते थे। सैकड़ों लोगों से उसके बड़े अच्छे संबंध थे। काम के प्रति उसकी लगन और ईमानदारी देखते बनती थी। इंडस्ट्री से उसे जानने वालों की संख्या काफी थी। वह मुंबई में पिछले 15 सालों से काम कर रहा था। जवाहर के लिए जितना मैं कहूँ कम होगा। वो एक स्पॉट बॉय नहीं था फिल्म का, बल्कि वो एक दोस्त था। हर सुख दुख में शरीक रहा है वो, हमेशा उसने प्यार दिया है एक भाई की तरह। और मुझे लगता है कि जितना मैं बाकी लोगों से नहीं खुलता था, उससे एक इंट्रैक्शन होता था। ख़ास तौर से जो हमारे सर, जो हमारे जिम इंस्ट्रक्टर अशोक सर हैं, उनको हम लोग हमेशा, वो एक पुल का काम करता था। अगर सर बिज़ी होते थे, कोई बात कहनी थी तो वो हम तक पहुँचाता था, हमें कोई बात रखनी थी तो वो सर तक पहुंचाता था। और सर को अपना पिता मानता था। ये मुझे फ़ख्र है कि सर का हमेशा पिछले 15-16 साल से एक जगह बॉम्बे में टिके रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जवाहर में ये खासियत थी कि उन्होंने सर को हमेशा अपना पिता समझ के काम किया। फिल्म, क्योंकि हम चाह रहे थे कि वो फिल्म देखे, फिल्म आ रही है, तैयार है फिल्म नमस्ते बिहार, उसके लिए उसने काम किया हुआ है, तो हम मिस करेंगे इस चीज़ को। और परिवार के लिए बहुत सिंपैथी है, बहुत मेहनती था, अपने तमाम बड़े भाइयों को, छोटे भाइयों को, सबको मदद करता था। सबका शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, अभी उसके एक भतीजे का इंजीनियरिंग में कहीं पढ़ाई हो रही थी मेरठ में। वो मुझे बोला कि सर हम कुछ फंडिंग करनी है। हमने कहा बताओ कितना करना है, क्या करना है। जो जितना बोला उसने, हम लोगों ने तुरंत उसको प्रोवाइड किया। घर जब भी जाता था, कुछ भी होता था, कुछ लेकर आता था वहाँ से, यहाँ से हम लोग पैक करके देते थे कि अपने फैमिली के लिए ले जाओ, बेटे के लिए ले जाओ। तो कहीं ना कहीं वो परिवार का हिस्सा था। और सच में बहुत बड़ा लॉस है, ख़ास तौर से मेरे लिए। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, जब आए मिस यू। ज़्यादा समय का तो वक्त मुझे नहीं मिला, लेकिन जितना भी टाइम उनके साथ मैंने बिताया, उनके साथ काम किया, बहुत अच्छा लगा। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। वो अपने बिहेवियर से अपने सराउंडिंग को इतना खुशनुमा बनाते थे, इतने अच्छे से सबसे बिहेव करते थे, बातें करते थे। वो देयर इज़ वेरी वेरी मच मिसिंग। और हाँ, वही सबसे ज़्यादा मिस करूँगी मे ही रेस्ट इन पीस। दैट्स ऑल। पहले जब से मुलाकात हमारी थी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर छोड़ने आया हुआ था, मैं नेपाल के लिए जा रहा था। उस वक्त में तो लगा ही नहीं था कैसे वो चला जाएगा। और कल सुबह जब इस तरह का फ़ोन आया तो मुझे लगा कि लगता है मुझे मुझसे एक्टिंग कर रहा है। 11:30 बजे तक उसका मैसेज आया है, गुड नाइट का, मेरे पास मोबाइल में है। और उसके बाद से सब लोग सो गए हम लोग। फिर 3 बजे के आसपास कॉल आया मेरे पास, ऐसे ऐसे जवाहर के साथ हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। और फिर मैं लगातार टच में रहा कि कहाँ कहाँ उसको ले गया है। सुबह सुबह हम हॉस्पिटल भी पहुँचे वहाँ पर, और स्पेशली रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट किए हम कि आप वहाँ जब आए तब मुझे यकीन होगा। तो जब देखा मैंने उसको उसका वॉच रूम है उसमें लिखा हुआ, तो लगा कि अभी उठ कर बैठ जाएगा। जवाहर का छोटा बेटा जब बॉम्बे आया था तो सबसे ज़्यादा वो हमारे घर पर ही रहता था, राजगीर के साथ खेलता रहता था। और मैंने उसको कहा भी था कि इसको यही रहने दो, लेकिन वो जिद था कि माँ के पास रहेंगे, इसलिए वो चला गया लौट कर। उसके लिए सबसे ज़्यादा मुझे दुख हुआ, बहुत छोटा था वो, बहुत जवाहर की तरह ही हंसता खेलता रहता था वो। ये क्षति बहुत बड़ी है संतोष नगर के लिए, खासतौर से जवाहर हम सबको जोड़ कर रखता था। सबसे भी मिलवाने वाला जवाहर है, काका से भी मिलवाने वाला जवाहर है, मंदिर के बदल में हम आपको जो आता था जवाहर की पार्टिसिपेशन करता था। जितने चेहरे यहाँ हैं सब के सब जवाहर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और बहुत कम समय के लिए आप आई हैं यहाँ बॉम्बे आसाम से शूटिंग के दौरान, जब फिल्म अभी जिसमें ये जवाहर काम कर रहे थे नमस्ते बिहार हिंदी फिल्म है, तो वो अभी हम लोग शूट कर रहे थे पनवेल में, वो वहाँ भी था और अच्छे से पार्टिसिपेट किया। यकीन ही नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो सकता है किसी के साथ। अपने स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ख्याल रखता था, एक नारियल पानी रोज पीता था, जो साइकिल वाला वहाँ से क्रॉस करता था उसे लेकर एक पीता था, सब बढ़िया था। के बारे में क्या बोलने, ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं। जवाहर सबको मिलजुल के रहता था और जवाहर ने इतना सब आदमी लोग को कमाया है, वो तो अपने शब्द के ऊपर सबको जमाया है और सबके साथ प्यार रखा है, तभी ये आदमी सब आया है। और क्या बोल सकता हूँ जवाहर को। जवाहर भाई मेरा भानु ही था, भान का देवर था, बहुत अच्छा था, सबको हंसते हंसाते रहते थे, कल तक अपने थे आज नहीं रह गए, इसके लिए बहुत बड़ा दुख है, दुख की बात है, सब कोई दुख में शामिल हुए हैं, सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ। बस 24 की खास रिपोर्ट।